थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन है और आज हमारे बीच में आए हैं स्पीकर मिस्टर क्राउन लीडर मिस्टर टिकेंद्र सिंह जी, जो बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड द बिजनेस आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ टाइम टाउन में कैसे बिजनेस को बिल्डअप करें। और इसमें टिकेंद्र जी की मुझे लगता है कि बहुत महारत है। आज टिकेंद्र जी की जो टीम है, ऑल ओवर इंडिया में कोई ऐसा स्टेट बचा नहीं है जहाँ पे टीम नहीं है। तो अलग अलग सिटीज में कैसे अपने बिजनेस को बिल्डअप करें और बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा करें, बड़ी एम्पायर कैसे खड़ी करें और बड़ा इतिहास कैसे लिखें, वो सारी चीजें आज टिकेंद्र जी के माध्यम से मिलने वाली है। और दोस्तों, दो लाइन जरूर बोलना चाहूंगा, टिकेंद्र जी हमारे दिल के बहुत करीब हैं, मोस्ट एक्साइटेड लीडर और बहुत ही कमिटेड और एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड के बादशाह, और इस सिस्टम में कंपनी सिस्टम और अपलाइन के हमेशा अनुमान बनकर रहे। और मैं चाहता हूं कि आज हम इनको सुनेंगे दिल से, और इनको सुनने के बाद आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आने वाला है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन कुछ दोस्तों आइए बगैर देरी किए हम कॉल करते हैं, ऊपर हाथ खड़े करके दिल से जोरदार तालियों के साथ अभी के क्राउन लीडर बट होने वाले बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर टिकेंद्र सिंह चौधरी जी। जोरदार तालियां चौधरी साहब के लिए। थैंक यू मागुरु जी, चरण स्पर्श मागुरु जी। सबसे पहले कोटि कोटि नमन प्रणाम मागुरु जी, और सारे पैनलिस्ट लोगों को मेरा नमस्कार, और सारे लोग जो यूट्यूब पे हैं जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहूंगा ईश्वर का, और उसके बाद पिता परमेश्वर, माँ बाप का, और हमारे ग्रेट मेंटरशिप का। मागुरु जी मैं शेयरिंग कर लूं? हाँ हाँ प्लीज श्योर। थैंक यू मागुरु जी, थैंक यू। और दोस्तों गुड मॉर्निंग, क्योंकि जबरदस्त गुड मॉर्निंग रहती है ये गुड मॉर्निंग का जो सेशन मागुरु जी के पैनल पे दोस्तों हमें ब्लेसिंग के रूप में लगातार मिल रहा है। सबसे पहले मैं मागुरु जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे फिर दोबारा से ये सौभाग्य मिला है इस, क्योंकि सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मागुरु जी के पैनल पे मुझे दोबारा मौका मिला है। तो मैं दोबारा से नमन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, और दोस्तों आप लोगों से चाहूंगा मागुरु जी के लिए एक बार जोरदार ताली, जो हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां हम लोग बहुत सारी चीजों को लगातार सीख रहे हैं, लगातार समझ रहे हैं, और इसमें बहुत ज्यादा हमें प्रॉफिट हो रहा है पूरी टीम को दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों एक बार हम आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद मैं जरूर आपका इस, क्योंकि अभी कोरोना काल से हम निकल चुके हैं और सारी चीजों से बाहर आ चुके हैं दोस्तों, और अब हम न्यू स्टार्टअप करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो आज उस समय तक फिजिकली ना करके हम जूम के थ्रू बिजनेस कर रहे थे, पर दोस्तों वक्त आ चुका है कि हम जूम से बिजनेस ना करके अब हमें फिजिकल बिजनेस करना पड़ेगा। तो इसको हमें मागुरु जी हमारे बोलते हैं, मागुरु जी सुनील लाल जी, के भाई रीस्टार्टअप करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सब लोगों का रीस्टार्टअप सेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ टाउन हमें बहुत सारे शहर डेवलप करने का जो आज दोस्तों हमारा टॉपिक है उसको रिस्टार्टअप भी बोल सकते हैं और स्टार्टअप भी बोल सकते हैं। तो स्वागत है आपका। उसके बाद दोस्तों मैं शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले कि हमारी सक्सेस कैसे इस बिजनेस में होती है। दोस्तों पर्सनली मैं अपना फीलिंग बता रहा हूं, मेरी सक्सेस का रीजन क्या रहा इस बिजनेस में और किस तरीके से मैं लगातार इस बिजनेस में सक्सेस लेता रहा और लेता रहूंगा, और ये मेरा कमिटमेंट है। उसका एक सीक्रेट जो है, सक्सेस का जो सीक्रेट है वो बहुत सिंपल है। सारे लोगों को दिख रही होगी एक इमेज, कि अगर इमेज में ये मैसेज है कि अगर बल्ब जलाना है तो प्लग लगाना पड़ेगा। दोस्तों जैसे आप प्लग प्लगिंग करेंगे वैसे बल्ब जल जाएगा। ऐसे दोस्तों हमारे पास भी एक भगवान ने जबरदस्त दिमाग दिया है, जो अगर एक बार इसमें आइडिया आ जाए और इसमें अच्छी समझ पैदा हो जाए तो ये हमारी जिंदगी में प्रकाश ही प्रकाश कर सकता है। जैसे बल्ब जलने के बाद हमारी अंधेरे में प्रकाश में बदल देता है, अगर हमारे दिमाग को भी ट्रेंड कर दिया जाए तो ये भी हमारे को बहुत बड़ा हमारी जिंदगी बना सकता है, और ये हर आदमी के पास है। पर इसको किस तरीके से हम यूज करें, अपने लिए उपयोग करें, तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक बात सीखी थी कि जितने भी लीडर यहां पर सक्सेस चाहते हैं, जितने भी लीडर यहां पर बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, उनको दोस्तों एक बात समझनी होगी, कनेक्ट विद सक्सेसफुल मेंटरशिप। सक्सेसफुल अगर आप मेंटरशिप में आ जाते हैं, अगर आप सिस्टम में कनेक्ट रहते हैं और आप सक्सेसफुल कंपनी में होते हैं, तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। क्योंकि जितना ज्यादा हम रखेंगे आस्था, उतना ही ज्यादा हमें मिलता चला जाएगा रास्ता। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कोई बैकग्राउंड नहीं देखता, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं देखता, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सबसे ज्यादा अहम चीज है तो वह है आपकी आस्था। किसके लिए? अपने मेंटरशिप के लिए, सिस्टम के लिए और कंपनी के लिए दोस्तों। और हमारी सक्सेस,
मेरी सक्सेस का भी रीजन यही रहा कि हम जितना ज्यादा मैं चीजों को समझने के लिए मैंने अपने गुरुओं पर जितनी आस्था रखी उतना ज्यादा दोस्तों रास्ता मिलता चला गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चाहूंगा मेरे सारे मेंटर्स के लिए जोरदार तालियां बजाइए और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले देवेंद्र शर्मा जी महागुरु जी के लिए, उसके बाद सुनहरी लाल जी महागुरु जी के लिए, और उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी ग्रेवाल महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, जिनके आशीर्वाद से हम सब लोग पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग्स में बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद संजय जैन साहब महागुरु जी और राजीव चतुर्वेदी जी महागुरु जी। दोस्तों स्पेशली मैं तीनों लोगों का स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा जिनमें से बहुत ही ज्यादा दोस्तों हम ब्लेस्ड हैं, हमेशा आशीर्वाद मिलता है हमें दो महागुरुजियों लोगों का। तो एक बार जोरदार ताली मैं चाहूंगा दोस्तों, इतने जबरदस्त हमें अपलाइन मिले हैं, क्योंकि जो हमेशा बोला भी जाता है हमारे गुरुओं ने हमें बताया है, जो अपलाइन के पास नहीं जाता उसे कुछ नहीं आता। ये बिल्कुल सच्ची लाइन है, क्योंकि जो लोग अपलाइन के टच में नहीं रहते, अपलाइन मतलब यहाँ पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, क्योंकि इस धरती पर दो तीन लोग ही हैं जो आपका मतलब हमेशा भला चाहते हैं, और वो उनमें सबसे पहले गिनती होती है माँ बाप की, और उसके बाद गिनती होती है दोस्तों गुरु की। और यही एक ऐसी, और आपका परिवार, बच्चे, वाइफ, और दोस्तों बड़े सौभाग्यशाली हम लोग कि यहाँ पर अपलाइन हमें मिले हुए हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में कोई किसी की मदद नहीं करता, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों स्पेशली थैंक्स देता हूं मैं ईश्वर को। हे ईश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद कि दुनिया की सबसे खूबसूरत बिजनेस हमको दिया, कम उम्र में दिया, युवा मतलब 18 साल 10 महीने का था जब मुझे बिजनेस मिला, और उसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों जो इस बिजनेस की ब्यूटी है, जो इसकी खूबसूरती है, कि यह जबरदस्त सक्सेसफुल अपलायनों का ब्लेसिंग मिलता है दोस्तों। और मैं चाहूंगा अगेन हमारे दोनों महागुरु जी के लिए, सुनील लाल जी महागुरु जी के लिए जो स्पेशल हमें ब्लेसिंग देते हैं, और उसके बाद महागुरु जी ग्रेवाल जी के लिए स्पेशल थैंक्स, एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। और ये पक्की बात है कि जो कनेक्ट रहेगा अपलायनों के साथ वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, एक से बाद एक रिकॉर्ड बनाता रहेगा। और दोस्तों उसके बाद अपलायन का स्नेह और टीम का प्यार, टीम का सपोर्ट भी दोस्तों, मैं टीम को धन्यवाद देता हूं, और मुझे बड़ा प्राउड होता है कि मैं अल्टीमेट अचीवर टीम का हिस्सा हूं, पार्ट हूं, और इसमें एक से एक बब्बर शेर, एक से एक बड़ा लीडर, एक से एक बड़ा योद्धा। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली इस अल्टीमेट अचीवर ग्रुप के लिए, जिसमें मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं अल्टीमेट अचीवर का हिस्सा हूं, और हमेशा ये प्राउड होता है कि मैं अल्टीमेट अचीवर का एक सैनिक हूं, एक सिपाही हूं, और मुझे अल्टीमेट अचीवर में इस बिजनेस को ज्वाइन करने का सौभाग्य मिला दोस्तों। उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा हमारी दूसरी चीज, क्योंकि कनेक्ट हमें दूसरी चीज के साथ, जो दूसरी चीज है वो है हमारा वर्ल्ड क्लास कंपनी, नंबर वन कंपनी के लिए जोरदार ताली। इंडिया की, हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी में है दोस्तों, और हमारे पांचों डायरेक्टर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद दोस्तों मैं ये बोलता हूं, कंपनी प्रोडक्ट देके, इंसेंटिव देके दोस्तों हमारा अपना काम बहुत बढ़िया करती है, पर यहां पर सेल्फ डेवलपमेंट जो होता है हमारा, वो सिस्टम में कनेक्ट होने से होता है, और सिस्टम जो बनाया गया है वो हमारी सक्सेसफुल मेंटरशिप के द्वारा बनाया गया है। और मैं चाहूंगा दुनिया के नंबर वन एजुकेशन सिस्टम के लिए जोरदार ताली, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए जोरदार ताली दोस्तों, कि जिसको जिसकी छत्र छाया, जिसकी ब्लेसिंग हमको मिली, और आज हम लोग लगातार इसकी ब्लेसिंग में इस बिजनेस को और भी सीखते जा रहे हैं, और भी करते जा रहे हैं, और उसके बैनर तले दोस्तों आज मेरे को मौका मिला है। और उसके बाद अल्टीमेट अचीवर, क्योंकि ये हमारी भावना, और मैं बड़ा खुश रहता हूं जब मुझे अल्टीमेट अचीवर में बार बार बोलने का मौका मिलता है, कि एक ऐसा नाम जो यूनिक ग्रुप लगातार ग्रो कर रहा है दोस्तों। और उसके बाद जो आज का टॉपिक है, जिसके लिए दोस्तों आज हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, और आज मुझे मॉडरिंग सेशन में मौका मिला है, उससे पहले मैं दोबारा से दोस्तों इस पैनल को मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जूम हमारा जो महागुरु जी का चैनल है, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग, क्योंकि हमें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरे लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, और हमारे महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी के लिए दोस्तों दोबारा मैं ताली बजवाना चाहूंगा कि हम अपना खुद का चैनल है ना, श्री नरसिंह ग्रेवाल जी चैनल को हम सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि यहाँ पर हर रोज मॉर्निंग सेशन में कुछ ना कुछ दोस्तों, कोई ना कोई बड़ा लीडर आता है, अपनी स्टोरी सुनाता है, अपने अनुभव शेयर करता है, और सबसे बड़ी बात, एक से एक बड़ा अचीवर यहाँ पर दोस्तों हमें बताता है। आज मुझे भी मौका मिला है कि इसमें मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, आउट ऑफ टाउन बिजनेस। और दोस्तों क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि जितने भी लोगों को इस बिजनेस में डायमंड जाना है, डबल डायमंड जाना है, वीनस जाना है, मरकरी क्राउन, जो भी रिकॉग्निशन है,
युष्य तक। दोस्तों उनको उनको अचीव करने का एक ही तरीका है कि क्योंकि देखा भी गया है कि हम जिस शहर में ज्वाइन करते हैं दादा, जिस शहर में हम ज्वाइन करते हैं उस शहर में केवल हम इस मिनिस्ट को सीखते हैं थोड़ा थोड़ा करना, और जब हम इस मिनिस्ट को सीख लेते हैं तो वहां से डायमंड नहीं जा सकते क्योंकि हर शहर की एक लिमिट होती है। पर जब हम इस मिनिस्ट को सीख लेते हैं तो हमें जाकर अपना नेटवर्क हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके बिल्ड करना होता है, और उस स्किल को बोलते हैं आउट ऑफ टाउन बिल्ड सिटी। और दोस्तों क्योंकि ये मौका मेरे को मिला जब मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग की, थोड़े दिन मैंने अपने शहर में काम किया होम डिस्ट्रिक्ट में भरतपुर राजस्थान में, उसके बाद दोस्तों मेरे गुरु लोगों से बातचीत हुई और उन्होंने बोला बेटा अगर बड़ा काम करना है तो आपको अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाना होगा। और उसी वक्त ये सेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें मेरा कुछ भी नहीं, आपको बता दूं ये सब मैंने सिस्टम से सीखा है, मेरे गुरुओं से सीखा है, उन्होंने जैसे जैसे बोला दोस्तों वैसा वैसा हम करते चले गए। और मैं कोशिश करूंगा आज आपको 100% कोशिश करूंगा 100% कि मैं आपको वो बता पाऊं जिनको कर करके मैं यहां तक पहुंचाऊं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जब हमारा काम बड़ा होता है, जब हमारा काम बड़ा होता है या हमें जब बड़ा काम करना होता है तो उन्नति के लिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है। ये बहुत ही आपको समझना ही होगा कि दुनिया में आप जिस भी बिजनेस को देखेंगे, आप जिस भी बिजनेस को देखेंगे उसमें एक चीज आप देखेंगे कि आप लोग जितने भी लोगों को बड़ा देखेंगे, कई कम्युनिटी हैं जिन्होंने बाहर से आके रिफ्यूजी थे, जिन्होंने बाहर से आके और बहुत बड़ा काम किया, जो वहां के लोकल बासिंदे थे, जो लोकल लोग थे वो बड़ा काम नहीं कर पाए। क्योंकि दोस्तों क्योंकि आपका जो बुरा वक्त होता है वो सबसे ज्यादा आपको सिखाता है, और जिन्होंने बुरा वक्त नहीं देखा, जिन्होंने ये बुरा वक्त नहीं देखा वो दोस्तों बड़ा काम भी नहीं कर पाते। इस बिजनेस में हर जगह 90% उन लोगों के पास है जहां वो मूल बासिंदे नहीं है। हमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोकल शहर में जब काम करते हैं तो क्यों बड़ा काम नहीं होता, आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। और उससे पहले कुछ जनरल चीजें जो आपको समझने की जरूरत है कि बड़ा काम करने के लिए हमें अपने शहर को छोड़ना होगा, और पहले से ऐसा नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको वहां ना करें, करें सीखें, पर बड़ा काम करने के लिए हमें अपने टीम में अपनी टीम के साथ मिलके बहुत सारे शहरों को बिल्ड करना होगा, हमें बहुत सारे शहरों में सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना होगा दोस्तों। और दोस्तों इसके लिए कुछ चीजें जो आपको समझना है, सबसे पहली चीज के लोकल बासिंदे जो रहते हैं दोस्तों वो क्यों डेवलप नहीं कर पाते, आज इसके बारे में जानेंगे। और बाहर के लोग 90% बिजनेस के मालिक कैसे हुए आप देखने की कोशिश करना। कई कम्युनिटी है जिनके पास, जो हिंदुस्तान जब पाकिस्तान हुआ था तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो सिंध बोलते थे ना, सिंध राज, वो जो चला गया वो पाकिस्तान में चला गया। तो दोस्तों वहां से जो हमारे सिंधी भाई आए और यहां आकर जो उनके पास कुछ भी नहीं था, अभाव ही अभाव था, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेहनत की, एफर्ट्स लगाए, क्योंकि अभाव जो है हमारा सबसे बड़ा लर्नर है, या तो अभाव में आदमी टूटेगा या अभाव में आदमी बनेगा, दो ही काम होते हैं। और जो टूट जाते हैं दोस्तों उनका अस्तित्व चला जाता है, और जो अभाव में दम लगा देते हैं, अपनी स्किल को डेवलप कर लेते हैं, अपनी स्किल को यूज कर लेते हैं, वो बहुत बड़े इतिहास लिखते हैं दोस्तों। क्योंकि अभाव सबसे बुरी चीज है और जरूरी चीज भी है देखा जाए तो, अभाव और अभाव नहीं वह भी बुरी चीज है। देखने का मतलब क्या है, अगर अभाव नहीं है तो भी दिक्कत है, और अभाव है तो भी दिक्कत है। अभाव नहीं है तो इसके नुकसान भी है, क्योंकि जिन लोगों ने बचपन में या बड़ा होकर अभाव नहीं देखा उनको इंपोर्टेंस नहीं होती है, जो पैसा आता है, इज्जत आती है, शोहरत आती है, उसकी इंपोर्टेंस उसी को ज्यादा है जिसने इस वक्त को देखा नहीं है। दोस्तों इस बात को समझना होगा और यह जानना होगा, एक अच्छा जीवन एक महान जीवन का दुश्मन होता है। इसको क्यों लिखा है हमारे ग्रेट मेंटर्स लोगों ने, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि आदमी जब पैदा होता है बचपन में और उसको जितनी ज्यादा लग्जरी लाइफ मिलती है, और जब वो लग्जरी लाइफ अचानक समय उल्टा हो जाता है तो बहुत सारे लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी बिखर जाते हैं। उसका रीजन केवल एक ही है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा होता है, अभाव नहीं देखा होता है। पर जितने भी लोग दोस्तों जिन्होंने बचपन में अभाव देखा है, जो गरीब के बच्चे होते हैं, जो अभाव में पलते बड़े होते हैं, उनको कोई भी चैलेंज आ जाए वो जल्दी से टूटते नहीं है।
इसलिए बोला जाता है कि अभाव जिसने देख लिया उसने महान जीवन की फाउंडेशन रख ली। तो मैं जरूर ताली बजवाना चाहूंगा, आप लोग खुश हो जाइए कि अगर आपके पास अभाव है और आपको अभाव आ रहा है तो आप दोस्तों खुश हो जाओ, अभी आप राइट प्लेटफॉर्म पे हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में हैं कि आप यहां पर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और अपने घर का इतिहास लिख सकते हैं। पर दोस्तों अगर आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, आपके इंतजाम होकर रखे हैं, तो आप कुछ बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे। क्योंकि दोस्तों सिंधी कम्युनिटी की बात कर रहा था मैं, जो बहुत बड़ा समाज था उनके पास बहुत बड़ा अभाव था, और मैं बार बार भी बोलता हूं इस बात को कि अभाव जो है वो एक बहुत बड़ा टीचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम परदेश में जाएंगे, वो लोग आए यहां पर हिंदुस्तान में और वो उनके लिए परदेश था, यहां ना कोई जानता था ना कोई पहचानता था ना तीसरा भाई जानता था दुकानदार, तो उनको बहुत चैलेंज आए। ऐसे ही दोस्तों हम लोग इस बिजनेस को करने गए, जब हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो क्यों बोला जाता है कि ये बिजनेस दूसरे शहरों में जाके ज्यादा सीखते हैं हम लोग? क्योंकि परदेश सबसे बड़ा टीचर है, क्योंकि वो सख्त होता है। सख्त होने का मतलब क्या है? सख्त होने का मतलब है, मैं अलवर जब बिजनेस बिल्ड करने गया तो अलवर में मेरे को ज्यादा लोग नहीं जानते थे। मैं बचपन में पढ़ा था, फिर वापस आ गया, मैं जहां लोकल शहर में रहता था वहां अपने जो शहर का जो लोकल जहां रहते हैं दो तीन चार पांच गलियों में सब लोग जानते हैं, सब दुकानदार भी जानते हैं, कोई बात हो जाए वापस आ सकते हैं, सबसे बड़ी बात घर आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। पर जब हम दूसरी जगह बिल्ड करने जाते हैं तो दोस्तों मुझे याद है कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं दूसरी जगह बिल्ड करने गया कि खाना, कई बार खाने के पैसे नहीं थे, कई रात हमें भूखा सोना पड़ा। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहां कोई घर तो था नहीं, घर आके आदमी खाना खा ले और आराम से सो जाए। पर दोस्तों मैं आज जरूर आपको बताना चाहूंगा, उस समय ने जो हमको सिखाया, उस समय ने जो हमको मजबूत किया, वही एक फाउंडेशन थी जिसने हमें मजबूत करके इस धंधे के लिए बड़ा बनाया। अगर वो अभाव हम नहीं देखते और हम अपने शहर से बाहर जाके काम नहीं करते तो दोस्तों माफ करना मुझे, हम इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। तो परदेश एक बड़ा टीचर है और वो सख्त जरूर है और वो लर्नर बहुत बड़ा है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वहां आप बहुत सारे लोगों को जज करेंगे, वहां बहुत कुछ आपको नया नया मिलेगा और आप मजबूत बनते जाएंगे। मजबूत वही लोग बने हैं, है ना, जो बाहर निकल के आए हैं। मजबूत इसलिए वो लोग सोसाइटी डेवलप हैं, जिन बच्चों ने अभाव देखा है वो लोग बहुत बड़ा काम करते हैं। दोस्तों इस इंडस्ट्री को भी देखने की कोशिश करिए, जितने भी लीडर बहुत जल्दी ग्रो किए हैं उन्होंने कभी ना कभी बहुत ज्यादा अभाव देखे थे। दोस्तों आज ग्रो कर रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं, और हमारी टीम के बहुत सारे लीडरों को मैं सुनता हूं और मुझे देखने को मिलता है कि चाहे वो योगेश यादव जी हों, चाहे बहुत सारे लीडर हैं हमारी टीम के जिन्होंने बहुत ज्यादा अभाव देखा और अभाव देखा तो बहुत बड़ा काम किया। अब हम दोस्तों चलते हैं, इस बिजनेस की कुछ चीजें समझते हैं। दोस्तों इस बिजनेस का जो नेचर है, इस बिजनेस का जो ऐसे बोल सकते हैं, इस बिजनेस का जो नेचर प्रकृति है वो ऐसी है कि इस बिजनेस को फैल के चलता है। ये बिजनेस को आप रोक नहीं सकते फैलने से। आप सोचोगे एक ही जगह हम करते रहेंगे और हम जैसा चलाएंगे वैसा चलेगा, ना ना, क्योंकि ये बिजनेस ही टीम वर्क का है। यहाँ अलग अलग लोग आते हैं और ये या तो आप इसको लेके जाएंगे या टीम आपके लेके जाएगी। समटाइम गोज, कुछ ऐसा समय आएगा कि जब आप लेके जाएंगे, समटाइम टू लीड, जब आप लीड करेंगे आपको खुद को मौका मिलेगा। या तो आप लेके जाइए या कोई लेके गया है तो उसको हमें संभालना होगा, है ना। अगर आपकी टीम के लीडर लेके जा रहे हैं तो दोस्तों आपको सौभाग्य मिला है, आपको प्लेजर मिला है कि वहां का टाइम दें, आप हर 15 दिन में टाइम दें और वो जो नेटवर्क अभी जो किसी ने सीड डाला है, बीज डाला है, उसको हम खाद पानी और सब कुछ प्रोवाइड कराएं। ऐसे ही जैसे पेड़ को बचाने के लिए हमें समय खाद पानी लगाना पड़ता है, ऐसे ही नेटवर्क को बनाने के लिए, नेटवर्क को बचाने के लिए, उस शहर में बिल्ड करने के लिए हमको दोस्तों खुद जाके लीड करना पड़ता है। तो कुछ समय तो खुद हमें लेके जाना पड़ेगा, कई बार हमारे लीडर्स लेके जाएंगे, हमारी टीम लेके जाएगा, हमारा नया एसोसिएट लेके जाएगा जो हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन हुआ है। आउट ऑफ टाउन इज द हार्ड बिल्ड। जो हमारा जो बाहर बिजनेस हम जब करने जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है कि आपको बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे चैलेंज आए, पर जब ये बिजनेस बन के तैयार हो जाएगा, जब ये नेटवर्क बन जाएगा, तो दोस्तों मैं जरूर बताना चाहूंगा फिर ये जो नेटवर्क है आप खुश हो जाइए, उसको मेंटेन करना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों ऐसा मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा खुद का फीलिंग है, मेरा खुद का तजुर्बा है।
जब मैं बिजनेस करने गया और जैसे ही अलवर गए तो हमें काफी चैलेंज आए छोटे छोटे, मन कर रहा था यार चलो निकल चले, चलो छोड़ो यार, पर एक बार फिर याद आती थी यार डायमंड बनना है, घर का इतिहास लिखना है, कुछ बड़ा करना है। तो दोस्त बड़ा घर जाके नहीं होगा, क्योंकि आलस आदमी की जिंदगी बर्बाद कर देता है। कंफर्ट जोन आदमी को, हमारे महागुरु जी ग्रेवाल जी बोलते हैं, कंफर्ट आदमी को गधा बना देता है। तो दोस्तों हमें याद है हमारे मेंटर लोगों की बात, अगर बड़ा करना है बेटा, इतिहास लिखना है, अपने सपनों की कार लेनी है, घर बनाना है, और हम ड्रीमर थे, हम यूथ थे, हमारे बहुत सपने थे। तो दोस्तों हमें हार्ट परेशानी आई, ऐसा कई बार आया जब खाने के पैसे नहीं थे, ऐसा कई बार आया जब दोस्तों हम सर्दी पड़ रही है, हमारे गुरुजी लोगों के लिए जोरदार ताली, महागुरुजी लोगों के लिए जब उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा हम आपके साथ हैं। दोस्तों एक बार जोरदार ताली हमारे ग्रेट मेंटर्स लोगों के लिए जिन्होंने हमेशा हमें ब्लेसिंग दिया। पर दोस्तों शुरू शुरू में लोग मानने को मतलब जल्दी से मानते नहीं, भरोसा नहीं करते जब आप नए शहर में जाते हैं, क्योंकि माहौल नहीं होता वहां, वहां नेटवर्क नहीं होता ऑलरेडी। तो दोस्तों वहां मतलब बहुत सारे छोटे छोटे चैलेंज आते हैं, और आप लोगों को बस मैं छोटे छोटे चैलेंज के बारे में एक ही बात बोलना चाहूंगा, वो चीज जिस चीज में आपको दर्द ही ना मिले तो उसका सुकून ज्यादा देर नहीं रहता है, पर दर्द के बाद जो आप अचीव करते हो उसका रिवार्ड जब हमें मिलता है तो उसका सुकून बहुत अच्छा आता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं जरूर बोलना चाहूंगा जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और इस चैनल के पैनल के माध्यम से, मैं जरूर बोलना चाहता हूं दोस्तों, जमे रहना, डटे रहना, और जिस शहर को बिल्ड करने गए हैं उसको बिल्ड करके ही आना, उससे पहले मत आना। हार्ड होगा नो डाउट, पर एक बार जब नेटवर्क बन गया तो दोस्तों बहुत आसानी से उसको मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि जैसे योगेश यादव जी आए अलवर में, फिर जैसे जैसे माहौल बना, फिर हम बस महागुरु जी लोगों की विजिट कराते रहे, फिर उसके बाद मैं अजमेर गया, वहां मैंने बिजनेस बिल्ड किया, फिर जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ा तो मुझे एक बात पता चल गई कि हम एक शहर में रुककर शुरू में थोड़े परेशानी लेकर थोड़े चैलेंज आएंगे, क्योंकि वहां एक दूसरे को दूसरा जानता नहीं है, क्योंकि जब हम किसी शहर में जाते हैं वहां हमें कोई नहीं जानता है, हम एक दूसरे को जानते नहीं है वहां। पर दोस्तों एक बात बोली जाती है, कुछ एक दो लोग होते हैं जो हम पे भरोसा करते हैं, अगर उनका भरोसा हम जीत लेते हैं, उनके साथ मिलकर अगर हम काम कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम दोस्तों हो सकता है, ये हमें समझना होगा आउट ऑफ टाउन में। अब बाहर जाने के फायदे, हम बाहर क्यों जाएं, क्या जरूरत है भाई बाहर जाने की, क्या 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 ऐसी जरूरत है? तो मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों, पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको डायमंड जाना है, आपको बड़ा काम करना है, तो आपको इन फायदों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अपने शहर में रह के छोटा ग्रुप बनाया जा सकता है, क्योंकि वहां ऑलरेडी अपलाइन का ग्रुप होता है और भी लोगों का ग्रुप होता है, और हमको जब बिजनेस ये समझ में आ जाए, हम प्लान देना फॉलोअप करना सीख लें और 8 स्टेप बेसिक सीख लें, कोर बन जाए कंप्लीट, तो हमें जरूर इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एज ए गोड लेवल पे, पर लेवल पे, इसका कोई लेवल नहीं होता वैसे, जो भी दमदार लगता है किसी को अपने अंदर दम कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम किसी के बारे में कोई लेवल नहीं चुपका सकते और लेवले काम नहीं करते, आदमी का जो जज्बा है अंदर की, जो आग है, वो काम करती है दोस्तों। तो आपको दोस्तों ये मौका है कि आप बाहर जाएं और इस बिजनेस को बिल्ड करें, क्या क्या मजा आने वाला है बाहर जाने के बाद वो समझते हैं दोस्तों। जब आप बाहर जाएंगे, अपने शहर से जब दूसरे शहर में जाएंगे, तो आपको वहां शहर में जाके बहुत ही अच्छा फील होगा, क्यों? क्योंकि वहां के डायमंड आप ही हैं, वहां के टॉप लीडर आप ही हैं, तो वहां पर आप ऑलवेज फील मोर इफेक्टिव, आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करेंगे, क्योंकि जो भी टीम बनेगी वो आपका प्रमोशन करेगी, वो आपको आपको एडिफिकेशन करेगी, और आपको बड़ा मजा आएगा काम करने, क्योंकि वहां आप ही को प्रमोट किया जाएगा, वहां बहुत मजा आने वाला है। मैं जरूर आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ कुछ इतिहास लिखना चाहते हैं, तो आपको बाहर जाने के बहुत फायदे हैं। बाहर जाने से आपकी सेल्फ इमेज बिल्ड होती है, जब आप जाके बाहर नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो वहां सारे लोग आप ही को प्रमोट करते हैं, आप ही का एडविकेशन होता है। पर कुछ चीजें हैं, यू कैन वर्क एज ए थर्ड पार्टी। आपको बाहर जाकर इस बिजनेस का विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये बिजनेस में थर्ड पार्टी को भूलना नहीं है। थर्ड पार्टी का सिंपल लैंग्वेज, सिंपल तरीका है कि आप टूल्स के थ्रू अपने अपलाइन को जरूर प्रमोशन करते रहे वहां, क्योंकि हमें अपलाइन को भी वहां बुलाना है, और वहां आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए कि वहां हमें बहुत बड़ा काम करना है, तो वहां कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अगला, यू फील मोर एनर्जेटिक।
जब आप बाहर जाके काम करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल हमेशा बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग आपको सर बोलेंगे, कोई महागुरु जी बोलेगा, कोई ग्रेट मेंटर्स बोलेगा, क्योंकि आप ही हैं, उनके वहां के लीडर्स आप ही हैं, और जब आपके गुरु आएंगे तो वो आप ही को प्रमोट करेंगे, क्योंकि जो बंदा जिम्मेदारी लेता है उस बंदे को प्रमोट किया जाता है। दोस्तों, हमारी पहचान या हमारा नाम तब बना जब हमने जाके अलवर बिल्ड किया, हमारा नाम से आने लगा के सब टिकेन सिंह चौधरी साहब, हरिशंकर जी, दो लीडर गए बाहर और काम किया। क्योंकि दोस्तों, जब आप जाते हैं बाहर, नेटवर्क बनाते हैं, सिटी की जिम्मेदारी लेते हैं, सिटी होस्ट आप एक रिकग्नाइज होते हैं, और बड़े बड़े गुरु लोग, महागुरु जी लोग जब शहर में आते हैं ना, तो इसका सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी, सबसे ज्यादा फायदा, और आपको रहने का मौका, उनके साथ बैठने का मौका, उनके साथ चाय पीने का मौका, उनके साथ लंच डिनर करने का मौका सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलता है, सबसे ज्यादा ब्लेसिंग उन्हीं को मिलती है जो शहर की जिम्मेदारी लेते हैं। तो दोस्तों, एक बार खुश हो जाओ, और जिनका भी मन बन रहा है बाहर जाने का, मैं जरूर बोलूंगा, हजारों फायदे हैं बाहर जाने के। और मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि सुबह से शाम हो जाएगी बताते बताते, नाम बनाने का एक ही तरीका है, बड़ा करने का एक ही तरीका है कि आप बाहर जाए। अगर आप बाहर जाके काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट बढ़ेगी, बहुत लोग अच्छी नजर से देखेंगे, और बाहर जाके हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ लर्न करते हैं, बहुत सारी चीजों को सीख जाते हैं, सिस्टम कैसे रन करेगा, मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज होंगी, और सबसे बड़ी बात, हमारा कॉन्फिडेंस दिन पे दिन बढ़ता जाता है। और महागुरु जी लोग हमेशा कॉन्फिडेंस की कहानी सुनाती हैं, शेरनी की, बब्बर शेरनी की और चूहे की, जो प्रपोजल करता है और चूहे की डायलॉग मारता है, भाई तू बॉडी पे और शक्ल पे मत जा, तू कॉन्फिडेंस देख। तो कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है और अपने ऊपर भरोसे को और मजबूत करना है, तो मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों, एक शहर की जाके जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अब मैं जरूर बताना चाहूंगा एक बात दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत गहरी कहावत है, वो हम लोगों को समझनी चाहिए कि पिताजी का कमाया हुआ खाने की आदत अगर हमको लग जाती है, तो जिस दिन पिताजी हमारे दुनिया में नहीं रहे तो हमारा मरना तय है। मतलब हमने सीखा नहीं पिताजी के रहते सहते, तो दोस्तों हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। इसके लिए एक बहुत बढ़िया महागुरु जी लोगों ने हमें एक पिकनिक स्टोरी सुनाई थी। एक पालिकन, जो एक पक्षी होता है जो समुद्र के तट पे पाया जाता है, एक शहर की बात है, तो एक शहर ने क्या किया, म्युनिसिपैलिटी जो नगर निगम होती है, उन्होंने एक जो मछली पकड़ने वाली कंपनी थी उसको ठेका दे दिया। तो मछली पकड़ने वाली जो कंपनी थी, स्टीमर आते थे और मछलियां पकड़ते थे, और उनमें से कुछ मछलियां गिर जाती थी किनारे पे, समुद्र के किनारे पे। और दोस्तों वहां पर जितने भी पेलिकन थे, जो पंछी थे, वो क्या करते थे, उन मरी हुई मछलियों को खा लेते थे आसानी से, क्योंकि अब हमें समुद्र में जाना नहीं, अंदर जाना नहीं, वो किनारे पे मिल रही है। तो सारे जो पेलिकन थे वो सब लोगों को धीरे धीरे एक आदत पड़ गई कि पड़ी पड़ाई मछली, शिकार करी हुई, डली हुई मछली, मरी हुई आसानी से मिलने लग गई, उसकी खाने की आदत लग गई। पहली पीढ़ी को भी लग गई, उसके बाद जो अगली पीढ़ी, कुछ समय बाद अगली पीढ़ी आई, उनको भी आदत लग गई। चार पांच पीढ़ियों में ये धीरे 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 आदत लग गई। अब किसी को भी शिकार करने की आदत या मछली पकड़ने की आदत समुद्र में जाकर नहीं रही। अचानक दोस्तों वहां, क्योंकि गंदगी हो रही थी, परेशानी हो गई, बीमारी फैलने लग गई उसकी वजह से, तो नगर निगम ने वहां पर रोक लगा दी कि भाई अब यहां मछली पकड़ना नहीं होगा, और वो बंद कर दिया गया। जैसे ही दोस्तों बंद हुआ, तो मैं जरूर, आप समझना इस बात को, वहां मछलियां फिर बाहर मरी हुई मिलना बंद हो गई। तो जो ये प्रजाति थी पेलिकन, जो प्रजाति थी, इसको चैलेंज आने लगे, क्योंकि ये शिकार करना जानते नहीं थे, पीढ़ियां बीत चुकी थी, अब धीरे धीरे इनकी भूखे होने की वजह से मरना चालू हो गया, और मरने की वजह से बीमारी फैल गई। पक्षी जब मरता है कोई, तो उससे बीमारी भी फैलती है। ये जब पता चला नगर निगम को, सारी चीजें जब पता लगाई गई, उस पर अध्ययन किया गया, तो पता चला कि ये जो शिकार नहीं कर पा रहे, ये जो अपना पेट नहीं भर पा रहे, उसका रीजन है कि इनको सालों से, वर्ष दर वर्ष, पीढ़ियों से इनको सबको एक आदत लग गई है, और वह बिना शिकार किए मरी हुई मछली खाने की। तो ये सबको देखने के बाद दूसरे जगह से ट्रेंड पंछी लाए गए, पेलिकन लाए गए, और ट्रेंडों को उनके बीच में छोड़ दिया गया, और धीरे 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 दोस्तों ये देखा गया कि दोबारा से वो प्रजाति जो खत्म होने वाली थी, जिससे बीमारी फैल रही थी दोस्तों, वो ट्रेंड हो गई, और वो सारे लोग धीरे धीरे मतलब बचने लग गए। तो दोस्तों इस स्टोरी से हम एक चीज जरूर समझ गए होंगे, और आप लोग सारे लोग समझ गए होंगे कि अगर हमें ये बिजनेस बड़ा करना है, तो हम इस बिजनेस के ट्रेंड, जो पेलिकन मतलब पक्षी हैं, सारे लोग हैं पेलिकन हैं,
उस सब लोगों को ट्रेंड को हमें अपने शहर से सीख के जब दूसरे शहर में जाएंगे तभी ये नेटवर्क बड़ा नेटवर्क बनाएगा। दोस्तों कितने लोग इस कहानी से बहुत सारी बातें समझ गए होंगे कि हमको अगर अपनी प्रजाति खत्म ना हो जाए, अपना नेटवर्क बड़ा बने और फैले, क्योंकि कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों, किसी शहर में बिजनेस डाउन चल रहा होता है, किसी में अप चल रहा होता है, किसी में बहुत अच्छा चल रहा होता है। पर आप सोचिए अगर हमारा बिजनेस एक ही शहर में होगा, थोड़ा सोच के देखिए फिर क्या होगा। अगर हमारा बिजनेस एक ही शहर में होगा और वहां कुछ भी हो गया है ना, वहां कोई नेगेटिव हो गया, तो उसका सारा इफेक्ट हमारे चेक पर जाएगा, सारा इफेक्ट हमारी सेल्स पर जाएगा, ग्रोथ पर, और दोस्तों हम परेशान हो जाएंगे। पर अगर हमारे पास 5 शहर डेवलप है, अगर एक शहर डाउन भी हो गया तो दोस्तों 4 शहर हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो हम पर और हमारी टीम पर ज्यादा लीडरों पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं जरूर बताना चाहूंगा, इसको हमें जरूर करना है, इसको हमें सीखना ही है, क्योंकि यही है इस बिजनेस का मर्म और यही है इस बिजनेस की ताकत। अगर हमें जल्दी से लोगों को डायमंड बनाना है और अपने को जल्दी से डायमंड जाना है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास है कि जितने भी ट्रेंड कर करके अगर हमने अपने लीडरों को दूसरे शहरों में बिल्ड कराया, दूसरे शहरों में हमें उनका सहयोग किया, आज वो टीमें बहुत ज्यादा टॉप कर रही है, बहुत ज्यादा रॉक कर रही है, क्योंकि एक जगह रहकर हम एक शहर में लिमिटेड काम कर सकते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हमारे महागुरु जी समझाते हैं, सुनील लाल जी महागुरु जी बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि एक शहर की लिमिट है, आप एक शहर में रहकर ज्यादा से ज्यादा 4000 बीबी या 10000 बीबी क्लोज कर सकते हैं, पर आपके पास 10 शहर हैं 10000 बीबी के, तो आप 1,00,000 बीबी एक वीक में क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों ये है ट्रेंड होने का फायदा। पर अगर हम अपने अपलायनों के ऊपर निर्भर रहे, अगर हम उन्हीं का प्लान वही देना सीखेंगे, क्योंकि एक लिमिटेड होता है, एक शहर में लिमिटेड लोगों को मौका मिलेगा, एक शहर में लिमिटेड लोगों को ट्रेनिंग देने का मौका मिलेगा, प्लान देने का, पर जब हम अपने शहर बिल्ड करने जाएंगे तो सारे मौके हमको ही मिलेंगे, तो आपको एक अच्छा ट्रेनर बनने का भी मौका मिलेगा। दोस्तों एक इसके ऊपर एक घटना, एक और कहानी है कि टेढ़ी खीर, इसको समझना है। एक बार एक अंधे से बोला खीर खाएगा, अंधे ने बोला कैसी होती है, क्योंकि उसने बेचारे ने जन्मदात अंधा था, जन्म से अंधा था, उसने देखी नहीं थी। तो किसी ने बोला सफेद होती है, तो अंधा बोला सफेद कैसी होती है, बोला बगुले जैसी होती है, तो बोला बगुला कैसा होता है। अब वो जो आदमी था समझाने वाला वो भी जबरदस्ती था, उसने बोला यार इसको ऐसे बताना पड़ेगा, ऐसे हाथ टेढ़ा किया, अंधे का हाथ लिया और ऐसे घुमाया, तो उसने बोला भाई इतनी टेढ़ी खीर तो मेरे पिताजी को भी नहीं खानी, मेरे को तो छोड़ ये तो टेढ़ी खीर है। तो कई बार जब हम लोगों को प्रॉपर नहीं बताते, जब लोगों को हम आसान चीजें नहीं करते, और बहुत आसान है बिजनेस हमारा, और उनको वो टेढ़ी लगने लग जाती है। तो दोस्तों बाहर जाके बिजनेस बिल्ड करना, बिल्कुल घबराना नहीं, कोई टेढ़ी नहीं है, बहुत आसान काम है, बस हमको इसको थोड़ा सा समझना है। चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बिजनेस बिल्ड करने जाते हैं, जब हम एक शहर में चले गए, तो एक चैलेंज बीच बीच में हमारे मन में आता है। एक बार जब हम होके आ जाते हैं, फिर दोबारा जब बंदे को जिसको ज्वाइन कराया है उसके साथ हम एक गलती करते हैं, हम उससे पूछते हैं आऊं या ना, या जाऊं या ना जाऊं। ये दोस्तों सबसे ब्लेंडर मिस्टेक है। हमको कोई बुलाएगा नहीं, हमको कोई है ना इनवाइट नहीं करेगा, पर जाते वक्त जब हम जाएं उससे पहले कुछ बातें हैं जो हमें जरूर सीखनी है। जाने से पहले, जाऊं के ना जाऊं, जाने से पहले अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठे, जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं आप ये बेनिफिट लेना चाहते हैं तो पहले अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने एलओसी, अपने अपलाइन के साथ जरूर सलाह कर लें। अपलाइन के साथ बैठ के पूछें, गुरुजी मैं बिजनेस को बाहर लेके जाना चाहता हूं, मैं उस शहर को बिल्ड करना चाहता हूं जिस शहर के आप जाना चाहते हैं। अपने अपलाइन के साथ बैठे काउंसलिंग करें, जो सक्सेसफुल अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, और उनसे पूछें मां गुरुजी जाऊं या ना जाऊं। अगर वो मोहर लगा देते हैं और वो अपना अनुभव शेयर कर देते हैं तो मैं जरूर बोलूंगा उनकी सहमति मिलते ही आप जरूर जाइए। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव, उनकी समझ आपको मिलेगी, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपको कुछ बातें बताएंगे, कुछ चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले सेकंड जो चीज है, पहली चीज तो ये आउट ऑफ टाउन में कि हमें अपने प्लान के साथ बैठ के डिस्कस करना है। दूसरा क्या करना है, हमें जाने से पहले अपनी जो पेन कैपेसिटी जिसको बोलते हैं बजट, बजट चेक करें, कहीं आप गए शहर डेवलप करने और पैसे नहीं होने की वजह से या इनर ना होने की वजह से आप वापस आ गए, ऐसा कभी ना करें, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है। क्योंकि आप गए 2-3 ज्वाइनिंग निकाल लाए और आप दोबारा नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास
पैसे नहीं है, मनी मैनेजमेंट नहीं है आपके पास, आपने मैनेज नहीं किया। आप शेयर बड़ा करना चाहते हैं, आप नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, पर आपने आप रिस्क नहीं लेना चाहते। तो दोस्तों जब आप जाएं, एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपना बजट जरूर चेक कर लें और बिल्कुल घबराएं नहीं, कुछ ज्यादा पैसे लगने वाले नहीं है, पर कुछ तो इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों, है ना। अगर हम अनुशासन के साथ मेहनत करेंगे तो थोड़े दिन के बाद हम इस बिजनेस को बिल्ड कर जाएंगे। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, याद रखें, दूसरे शहर में जाके अगर आपने अपने प्लान के साथ डिस्कस नहीं किया, आपने अपना बजट चेक नहीं किया, तो इतना खूबसूरत बिजनेस आपको, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आप गए और आप पर कोई गलत डिसीजन की वजह से, आपने बिना पूछे गए, आपने अपना बजट चेक नहीं किया और आप गए और वहां बिजनेस नहीं चला, तो आपका अनुभव बैड हो जाएगा। इससे आप इस बिजनेस को छोड़ सकते हैं और बाहर से बैठ सकते हैं। दोस्तों ऐसी गलती ना करें, मैं जरूर आपसे निवेदन करूंगा, वर्ल्ड क्लास बिजनेस है, वर्ल्ड क्लास जिंदगी बना सकता है, इसमें जरूर ये दो चीजें चेक कर लें। अगला, तीसरी चीज का भी ध्यान दें, जब भी आप दूसरे शहर में बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हैं, तीसरी जो गहरी बात है, स्टार्ट फ्रॉम ए बिग इवेंट। एक बड़ा जब आपके नेटवर्क में, आपके अपलाइन द्वारा, आपके महागुरु जी लोगों के द्वारा जो ऑर्गेनाइज एक इवेंट हो रहा है, जिस शहर में आप डेवलप करना चाहते हैं, उस शहर से जिस बंदे के साथ करना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ करना चाहते हैं, उनको अपने यहां बुलाएं और इवेंट का हिस्सा बनाएं। क्योंकि दोस्तों अगर आप जाते हैं और उनको कोई बड़ा इवेंट नहीं मिला, तो ये ऐसे ही है कि जिस फुटबॉल में हवा नहीं होती, उसे कोई भी बड़ा सा बड़ा चैंपियन गोल तक नहीं पहुंचा सकता। जब कोई लीडर, जब कोई हमारा लीडर ये गलती करता है, जाके खुद ही लगा रहता है, तो वहां रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। आपने देखने की कोशिश की होगी, दादा भी हम बैठे हैं, हमारे विश्वास दादा और बहुत सारे लोग पैनल पर हैं, अनुभवी हैं, पुकाराम चौधरी साहब भी होंगे, आप लोग ये महसूस करते होंगे सारे लोग कि जब हम जाके खुद जाते हैं और किसी बंदे को जब बड़ा इवेंट हम उनको प्रोवाइड नहीं कराते, उनको जब हम दिखाते नहीं है, तो दोस्तों बंदा हमारे साथ 100% पॉजिटिव होके नहीं लगता है। तो मैं जरूर बोलूंगा, मेरी जो समझ है इस इंडस्ट्री की, जो मेरा जर्नी है, उसमें दोस्तों किसी भी बंदे के साथ बड़ा काम करना है तो उसको एक बड़ा इवेंट जरूर दिखाएं, क्योंकि बड़े इवेंट से बंदा मोटिवेट होता है, उसका विजन क्लियर होता है, उसका मिशन क्लियर होता है। जैसे उसका विजन बन जाता है, जैसे उसका मिशन क्लियर हो जाता है दोस्तों, वो हमारा साथ देता है। चौथी बात, यू हैव टू गो 6 मंथ कंटिन्यूअस पर वीक इन एनी हाउ। ये लाइन हमारे महागुरु जी लोगों ने ये क्यों लिखी, क्यों हमें बताई, हमारे महागुरु जी लोगों का ये तजुर्बा है, ये समझ है, क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई ये सब दोस्तों मैं बता रहा हूं आशीर्वाद है, और ये हमारी भी जो चरनी रही उसमें हमारी सक्सेस को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, कोई भी शहर जाके टच करने से डेवलप नहीं, आपको वहां जाके 6 महीने काम करना होगा। क्योंकि जो शुरू के लोग होते हैं, जो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, वो शुरू में तो यही देखते हैं कि ये लोग कितनी बार यहां आएंगे, कितना हमें साथ देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें भरोसा जीतना होगा, हमें उनका विश्वास जीतना होगा, और मिनिमम 6 महीने लगेंगे विश्वास जीतने के लिए, उनका भरोसा जीतने के लिए। तो दोस्तों पर वीकली वहां जाएं, आपको एक जो एडजस्ट नेटवर्क है जो आपका ऑलरेडी चल रहा है, इससे आपका चेक बनता है, जो आपका नेटवर्क है, उसमें 3 दिन रहें और 4 दिन वो दूसरे शहर में जाएं और इसका शेड्यूल बना लें, कमिटेड हो जाएं कि मैं बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार संडे या शुक्रवार शनिवार संडे और मंडे 4 दिन में नए शहर में रहूंगा, और ये जो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे है, ये मैं 3 दिन अपनी एडजस्ट नेटवर्क के साथ रहूंगा। तो इससे दोस्तों बहुत बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। अब आपको ये बात क्यों बोली थी मैंने कि अपना आप फंड चेक कर लें, क्योंकि जब आप रेगुलर जाएंगे, वीकली जाएंगे, हर वीकली आपको कोई मतलब छुट्टी नहीं लेनी है, तो उसका कारण यही था कि भाई अगर आप बोलोगे सर मेरे पास तो अब अमाउंट ही नहीं है, तो दोस्तों बिजनेस आपका है, आप अपलाइन के सामने उम्मीद ना करें कि वो आपको फाइनेंशियली मदद करेगा। जो लोग फाइनेंशियली नीड क्रिएट करते हैं अपलाइन के सामने, दोस्तों अपलाइन उनसे सपोर्ट भेजने लग जाते हैं, उनको लगता नहीं बंदा बड़ा काम कर रहा है। जब बड़ा आदमी हमको बनना है, बिजनेस हमारा है और हमारी पहचान बनने वाली है, हमारा नाम बनने वाला है, हमारा स्पेशल ब्लेसिंग मिलने वाला है, तो इस बात का विशेष ध्यान दें, जबरदस्त थोड़ी सी रिस्क लेके अगर हमने शहर बिल्ड कर दिया तो हमारा नाम और पहचान बन जाएगी। ये नाम और पहचान जो हमको मिली वो एक शहर डेवलप करने के बाद मिली। पांचवी बात, स्टार्ट फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। स्ट्रॉन्ग पर्सन का मतलब ये नहीं है कि कोई पहलवान के साथ काम भी करना है या कोई बॉडी का सुंदर होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, नहीं, क्योंकि हमें उसके साथ कोई कुश्ती नहीं लड़नी है। स्ट्रॉन्ग पर्सन का मतलब है कि हमें उसकी जो ड्रीम है, एक वो ड्रीमर होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए उसके अंदर, और शुड बी पॉजिटिव, सकारात्मक होना चाहिए,
और अगर आप एक बिग फंक्शन से चालू करेंगे तो उसके सपने भी जगा सकते हैं और वो पॉजिटिव होकर हमारे साथ काम कर सकता है। छठी बात, जब आप बिजनेस में उनको डेवलप करने जाएं तो विशेष ध्यान रखें, जिस शहर में आप जा रहे हैं वहां स्पेशल अटेंशन आपको देनी है। किस किस चीज की स्पेशल अटेंशन देनी है, क्योंकि शुरू शुरू में हमें भरोसा जीतना है अपने नेटवर्क में, वहां उनको बिलीव देना है कि हम यहाँ कोई फ्रॉड करने नहीं आए, हम यहाँ कोई गलत काम करने नहीं आए, क्योंकि आप गए हो बड़ा काम करने, आपकी नीयत बड़ा काम करने की है। पर छोटी छोटी गलतियां इस बिजनेस में लोग कर देते हैं शुरू में लापरवाह एटीट्यूड की वजह से। दोस्तों लापरवाह नहीं चलेगा वहां। जैसे एक माली जो होता है, जब एक प्लांटिंग कर रहा होता है, जब एक बागवान में जब बहुत महंगे महंगे पेड़ों को जब लगाता है तो उसकी बहुत केयरिंग करता है, ऐसे दोस्तों जब आप एक बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हैं आउट ऑफ टाउन, तो आपको पैकेज वहां का बंदे का आया कि नहीं आया, चेक उसका ईसीएस आया कि नहीं आया, और उस बंदे के हमारे थ्रू रिजल्ट हम ओरिएंटेड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, हम उसके चेक बनवा पा रहे हैं कि नहीं बनवा पा रहे, क्योंकि पैकेज के बारे में हमें चिंता करना, चेक के बारे में चिंता करना, उसके रिजल्ट के बारे में चिंता करना, इससे लगता है उस बंदे को कि वास्तव में ये जो आए हैं हमारे सीनियर जो हैं, हमारे जो ये मिलने वाले हैं, जो हमारे एज बिजनेस के सीनियर हैं, ये हमको लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं और हमारा ग्रो करना चाहते हैं, हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस बात का भी एटीट्यूड आपको छटा करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों सातवीं बात, स्पेशल बात है, इसको विशेष ध्यान रखें, हमारी सक्सेस में ये बहुत बड़ा रोल अदा किया इसने। सातवीं जो बात है, चेक द सिस्टम। आपको हमेशा याद रखना है, ये जो बिजनेस है ये विदाउट सिस्टम बड़ा नहीं हो सकता, इट्स देयर रन नॉट। वहां चेक करें, वहां सिस्टम ऑलरेडी अगर चल रहा है, आप जिस शहर में गए हैं तो वहां कोलाइन की मदद जरूर लें, कोलाइन ग्रुप की मदद लें, उसे दुश्मन ना समझें, उसको सहायक माने। अगर सिस्टम वहां पे चल रहा है तो एक्साइटेड हो जाएं, अपने अपलाइन के थ्रू नंबर ले लें सिटी होस्ट का, वहां के का दो चार पांच लोगों को वहां बिठाना चालू करें, और बहुत अच्छा बिजनेस आपका हो सकता है। जब आपका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा तो आप सेपरेट भी फिर एक वेन्यू बिल्ड कर सकते हैं। आठवां, टीच थ्रू द टूल्स। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, लोग सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं, खुद ही ज्ञानी बन जाते हैं, खुद ही दिनों रात उनके साथ काम कर रहे होते हैं और खुद फिर सिखा रहे होते हैं। ना, ये गलती कभी ना करना, ये गलती हमने की थी, हमें इसके बहुत नुकसान हुए। दोस्तों जब हम उनके साथ काम कर रहे होते हैं तो हमारी बहुत छोटी छोटी गलतियां उनके साथ हो रही होती हैं। जब छोटी छोटी गलतियां हम कर रहे होते हैं तो दोस्तों मैं जरूर आपको बता दूं, फिर आपका प्रभाव नहीं रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रभाव बना रहे, आपका इन्फ्लुएंस बढ़े, तो उसके लिए आपको टूल्स का उपयोग करना पड़ेगा, आपको टूल्स के थ्रू टीच करना होगा अपने नए नए बंधुओं को। तो वहां पर हमारा जो ये ग्रेट पैनल, पहले सीडी डीवीडी चलती थी, अभी दोस्तों बहुत ही जोरदार ताली इंटरनेट की दुनिया में, और हमारे महागुरु जी के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली। इस पैनल को खोले, है ना, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनाएं, उनके थ्रू ट्रेंड करें, हर चीज का वहां ट्रेनिंग है हमारी, एट स्टेप सारी चीजें पड़ी हैं, फॉलोअप लिस्ट मेकिंग सब चीजें, आप पैनल पर जाएं और उस टूल्स के थ्रू हम लोगों को डेवलप करें। दूसरा, मुंह से खले हुए डायलॉग ना मारें, प्लान फोल्डर फिजिकली प्लान डेमो प्लान करके दिखाएं, फिर उसके साथ जाएं फील्ड में करके दिखाएं। बंदा सबसे ज्यादा तब सीखता है जब आपको करते हुए देखता है, है ना, एक तरीका। दूसरा, जो आप सिखाना चाहते हैं किताब पढ़ाना, तो आप खुद सुबह उठ के 5 बजे जगे, मुंह हाथ धोए, 5 AM क्लब में जगे, खुद नहा धोए, डिसिप्लिन में रहें। अगर आप ये दिखा पाते हैं, किताब खुद पढ़ते हैं, आप बोले किसी से किताब पढ़ ले, कोई चांस नहीं हो पड़ेगा, उसको उल्टा भी लग सकता है। पर जब आप खुद पढ़ रहे हैं तो उनको बोल सकते हैं, सर आप भी ये किताब पढ़ेंगे तो आपका डेवलपमेंट होगा, जैसे मुझे ये डेवलपमेंट हुआ, मेरा भी जो सेल्फ डेवलपमेंट हुआ है वो ऑडियो सुनकर, वीडियो सुनकर, और महागुरु जी ग्रेवाल जी के चैनल पर जा जाकर मैंने जो वीडियो सुनी है उससे हुआ है, और बुक पढ़ने से हुआ है। तो दोस्तों जरूर करें, ब्रोशर्स और ये सब चीजों का आप यूज करें नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, और इसमें ईमानदारी से दिनचर्या में इन सब चीजों को लाएं। सेल्फ डेवलपमेंट को आपको करके दिखाना होगा, तभी आपके नीचे डुप्लीकेशन प्रॉपर होगा। दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं नंबर की तरफ, स्टार्ट ए ग्रुप नॉट ए पर्सन। एक बात का विशेष ध्यान रखें, हम वहां ग्रुप बनाने गए हैं, किसी एक आदमी विशेष के लिए नहीं गए, तो किसी व्यक्ति विशेष के चक्कर में परेशान ना हो कि गुरु जी वो काम नहीं कर रहा, मैं तो उसी की जिंदगी बनाना चाहता था। ना, कोई भी बंदा नहीं कर रहा, उसको अच्छी दुआओं में अच्छे उसको प्रेरणा दो, उसको अच्छी वाइब्रेशन दो, और किसी से द्वेष मत बनाओ किसी की। वहां एक बात विशेष ध्यान रखें, जब आप दूसरे जगह काम करने जाएं तो वहां कंपेरिजन में न पड़े, कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब आपके लिए अच्छे हैं। आपको खुद अपने दिमाग में एक समझ विकसित करनी है कि भैया मैं कौन कौन से लोग हैं जो बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं,
हर मीटिंग के बाद कुछ लोग होंगे दोस्तों जो आपके साथ आउट ऑफ टाउन बिजनेस करने आएंगे, एलडीपी लेने आएंगे, उनमें से कुछ लोग आपको मिलते चले जाएंगे और ग्रुप बनता चला जाएंगे। एक आदमी के चक्कर में परेशान ना हो कि नहीं मैं तो जीजा जी की जिंदगी बनाऊंगा, नहीं मैं तो साले को ही बनाऊंगा, नहीं मैं तो इस भाई को ही बनाऊंगा, मैं यही करूंगा। ना रिश्तेदारी ना निभाएं, आप ग्रुप बनाने गए हैं, ग्रुप बनाने पे ध्यान दें। आपका रिश्तेदार भी मोटिवेट हो जाएगा अगर ग्रुप बन गया तो। और हम एक आदमी के चक्कर में रहे और उसके पास समय नहीं है, हम उसी के चक्कर में लगे रहे और हम बोले गुरु जी वो टाइम नहीं दे रहा, हम अब कैसे जाएं। तो दोस्तों ये चैलेंज हमको आने है। और हमेशा याद रखें दसवीं बात, प्रमोट यूर अपलाइन एवरीडे, क्योंकि आपको आने वाले वक्त में वहां पर बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको अपने गुरुओं को बुलाना है, क्योंकि अपलाइन मतलब गुरु मार्गदर्शक इस बिजनेस का। इस बिजनेस के अपलाइन के बिना इस बिजनेस को सोचा ही नहीं जा सकता कि इसको हम कैसे बनाएंगे। और मैं दोबारा से मेरे सारे मेंटर्स के लिए जोरदार ताली बजवाना चाहता हूं, उनके बिना ये बिजनेस अधूरा था दोस्तों। उन्होंने मुझे मेंटरशिप दी, इसी वजह से मेरा यहाँ अस्तित्व बना। तो हमेशा अपने अपलाइनों को जितना ज्यादा अच्छा प्रमोट कर सकते हैं, जितनी उनकी अच्छाइयां बता सकते हैं, और कभी भी विशेष ध्यान दें किसी भी बंदे के साथ अपलाइन की कोई भी नेगेटिव बात ना करें। कोई नेगेटिव बंदा बात भी कर रहा है तो उससे बोले ना भाई ना, मैं मेरे गुरु के बारे में सुन नहीं सकता, माफ करना सर, ठीक है आपने ये देखा पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं हमारे गुरु जी के अंदर ये है ये है ये है ये है। हमेशा अच्छी बात करें अपने गुरुओं के लिए, और जब ये माहौल क्योंकि जो आप करेंगे वही आपको मिलेगा। आप जितनी अच्छी बातें अपने मेंटरशिप के लिए करेंगे वही दोस्तों क्योंकि काम चलने वाली है। जब इस बिजनेस में लोग आपकी नहीं सुनते तो आपको अपने मेंटरशिप को लाना होता है, और अगर आपने अपने मेंटरशिप की छवि नहीं बना रखी, आपने उनका प्रमोशन नहीं कर रखा, आपने उनको प्रमोट नहीं कर रखा, तो टीम सुनने वाली नहीं है और आपका बिजनेस ऐसे करके सत्यानाश कुछ नहीं होगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, फिर बोलेंगे बिजनेस में कमी थी। ना बिजनेस में कमी नहीं थी, सच माना जाए तो हमारी समझ और हमारे तरीकों में कमी थी, हमें सेल्फ ईगो आ गई थी। तो किस किस को प्रमोट करें, अपलाइन को करें, सिस्टम को करें, प्रोडक्ट को करें, सेफ शॉप को दिल लगा के प्रमोट करें, टूल्स को करें, है ना। अब टैप्स तो नहीं बोलूंगा, हमारे महागुरु जी के चैनल को प्रमोट करें, और हमारे केवल सेफ शॉप के जो एट प्रेजेंट लीडर काम कर रहे हैं ओनली उन्हीं को प्रमोट करें, सक्सेसफुल लीडरशिप को ही प्रमोट करें, दूसरे अदर लोगों के चक्कर में ना पड़े, दुनिया की नेटवर्किंग को प्रमोट ना करें, क्योंकि ये बहुत गलत हो जाएगा उनके लिए। क्योंकि नए नए बच्चे हैं, उनको सिलेबस बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड देना है, ज्यादा आपको चक्कर में नहीं पड़ना है, और आपने ज्यादा सिलेबस दे दिया, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे को, अगर आपने एलकेजी बच्चे को हाईस्कूल की जाके पूरी किताबें दे दी और सीबीएसई की पढ़ा रहे थे और उसने आपने दे दी राजस्थान बोर्ड की, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप अपना रिकमेंडेशन, हमारे ग्रेट मेंटर्स, हमारी रिकमेंडेशन बुक, उन्हीं को प्रमोट करें और आप देखना फिर बिजनेस में कितना मजा आने वाला है। उसके बाद दोस्तों याद रखो इस बिजनेस में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस बिजनेस में हर आदमी जो आपके प्रेरित होगा वो आपके काम के मेहनत को देख के, डिमोशन जो आपका समर्पण होगा, जो आप एथिकल जो लेबर करोगे वहां, जो काम में मेहनत करके दिखाओगे, उससे लोग सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। सो द योर एथिक, हर आपको जितना ज्यादा आप एक दिन में प्लान, आप चाहते हैं मेरा लीडर प्लानर बने वो नया बंदा, आप चाहते हैं वो ट्रेनर बने, आप चाहते हैं वो अच्छा फॉलोअप करने वाला बने, तो आपको उसको ज्यादा बार सुबह से लेके शाम तक, जैसे मैं 7 बजे टाई लगा के निकल जाता था सुबह, जिसके यहां रहता था वहां बड़े अनुशासन के साथ रहता था, कुछ चीजों का मैं विशेष ध्यान रख रहा था। दोस्तों आप अपने कपड़ों का भी ध्यान रखें, जब भी आप किसी के यहां रहें मैनेज रहें, कभी भी फैलाएं नहीं, अपने अंदर तक के चीजों को लोग देखते हैं। जब भी आप बाहर जाएं तो अपनी जो कोई भी चीज है, अंदर की चीजें हैं, उनका भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कपड़े लेके जाएं। ऐसे कपड़े और ऐसे कपड़ों का यूज ना करें जिसको देख के दूसरे की जिंदगी में नेगेटिव प्रभाव जाए। कोशिश है दो जोड़ी हैं तो दो ही जोड़ी लेके जाएं, ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है, पर मैं जरूर बोलूंगा कि आप इन बातों का विशेष ध्यान दें। जो चीजें आप अपनी टीम से चाहते हैं उसको आपको खुद करके दिखाना होगा, क्योंकि हमारे मेंटर ने बताया था, हमारे गुरु ने बताया, आलसी लोग भी उन लोगों से पसंद करते हैं जो मेहनत करते हैं। दोस्तों दुनिया की बड़ी विडंबना है और ये अच्छी बात भी है कि दुनिया के सारे आलसी लोग भी मेहनती लोगों को पसंद करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, तो मैं जल्दी आपको जरूर बताना चाहूंगा, नेवर फॉलो द नेसेसिटी। जब तक आप उस शहर को बिल्ड ना कर लें, उसमें ग्रुप ना खड़ा करें, उसमें लीडर ना बना दें, पर्ल टू पास तक एक लीडर को मजबूत तरीके से करना ना सिखा दें, तब तक आप दूसरे शहर में चक्कर ना चलाएं, क्योंकि आधी छोड़ साजी को भागे, साजी ना मिली ना आधी पावे।
ये लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, छोटे लेवल पे ज्यादा राता फैला लेते हैं, फिर राता तो बिखरेगा ही, क्योंकि किसी ने सच बोला था भाई तू मुझे दही दे दे, उसने बोला सर दही खट्टी है, बोला छोड़ना खट्टी है मीठी है, तू तो दे दे मेरे को, पीनी थोड़ी ना, मेरे को तो फैला नहीं है, तेरे को इससे क्या लेने देना। तो लोग कई बार गलती कर देते हैं और इससे हमारे बहुत नेगेटिव छलीफ चली जाती है इस बिजनेस की, तो ऐसा ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बारह में दोस्तों, ये बहुत गहरी बात मैं जरूर बताऊंगा आपको, लोग यहीं पर बहुत ज्यादा फेल हो जाते हैं और हम लोग भी कई बार यहीं पर एक गलती कर गए थे, आप लोग ना करें, या हमारे तजुर्बे से सीखें। आप जब भी आप जाएं तो प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को रखें, लेखा जोखा बहुत साफ सुथरा रखें। कई बार लोग क्या करते हैं, सिस्टम के पैसे को इधर से उधर घुमा देते हैं, उधर से उधर घुमा देते हैं, टूल्स के पैसे को घुमा देते हैं और लेखे जोखे का काम खराब कर देते हैं। मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों, इस बात का विशेष 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 ध्यान दें, जिस चीज के लिए पैसा आया उसी चीज में आप रखें, इस बात का बहुत ध्यान दें। बहुत सारे लीडर इसलिए फेल हो जाते हैं बाहर जाके, क्योंकि लेन देन जो है पैसे का जो रखना है उसको सही नहीं रखते। ये बात हमारे मागरूदी लोगों ने सिखाई थी दोस्तों, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली हमारे गुरुओं के लिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें अकाउंट सिखाया। और दोस्तों मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा, मैंने पैसे का मिसमैनेजमेंट नहीं किया, मैंने किसी की डीडी को नहीं घुमाया, मैंने पैसे लाया और उसमें नहीं लगाए सिस्टम में। मैं हमेशा बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ही फोकस के साथ इस बात को जानता था कि अगर मैंने किसी का विश्वास खो दिया तो दोस्तों वो आदमी भी खो जाएगा, और हो सकता है वो मेरी डायमंड हो और वो मुझे करोड़ों रुपए कमा के दे। पैसे की वजह से सबसे ज्यादा रिश्ते खराब होते हैं। तो दोस्तों लेन देन बहुत साफ सुथरा रखें, कार्डन रूल का हमेशा ध्यान रखें जब आप दूसरे शहर में बिजनेस बिल्ड करने गए हैं। 14वां दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप जाए हैव ए पैसे पूरे पागलपन के साथ, रेगुलर लगातार जुनून के साथ डेमो करके दिखाना है। वक्त पहले आपका इम्तिहान लेता है, उसके बाद सबक देता है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीख रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप परेशानी लेते हैं, तकलीफ लेते हैं, तकलीफ में और जिम्मेदारी में आदमी या तो सीखता है या निखरता है, या तो जीतेगा या सीखेगा। कभी घबराना नहीं, क्योंकि इंसान का जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। अगर बड़ा करना है तो एक बात याद रखिए, आम जिंदगी जीकर या सुकून की जिंदगी जी के कभी बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा करने के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम में पास होना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। किसी भी चीज की बात कर ले, इम्तिहान हमें देने पड़ते हैं। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, हमें बहुत कुछ सुनते रहना है, मायने जिंदगी बदलना। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं देता हूं आप लोगों को। कितने लोग अभी तक कुछ चीजें समझे, हाथ खड़ा करेंगे थोड़ा, सारे लोग समझे। तो मैं आप लोगों से जरूर बताना चाहूंगा, हमने आपको, हमारे गुरु जी लोग इस चैनल के थ्रू रोज आपको एक नींबू दे रहे, जैसे आप मार्केट से नींबू लाते हैं, पर आपने देखा होगा अगर हम नींबू को लाकर यूज नहीं करते तो 4-5-6 दिन बाद नींबू सड़ जाता है, क्योंकि उसका यूज नहीं किया गया। ऐसे दोस्तों हमारे बिजनेस में हमारे गुरु मेंटर लोग जो हमें बताते हैं, अगर हमने उसको यूज नहीं किया ज्ञान को तो वो सड़ जाएगा। अगर हमने नींबू को काट के शरबत बना के पी लिया तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं जितनी बातें हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं, जितनी बातें आके लीडर शेयर करते हैं, तो आप लोग इसका, कितने लीडर हैं जो नींबू का शरबत बना के पी जाएंगे और बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। प्लीज रिजॉइन, आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली, और आप बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहां आकर मेरी बात लगभग खत्म होती है, क्योंकि मुझे ये आज मौका मिला था, पर मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों, आप कितने लोग हैं जिसका नींबू बनाकर पी जाएंगे और जबरदस्त करके आउट ऑफ टाउन बिजनेस बिल्ड करके दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करने के लिए, बहुत बड़ी इतिहास लिखने के लिए, ये आउट ऑफ टाउन को हमें समझना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट बहुत लेंदी नहीं है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट था, कुछ जाते हैं 12-13 मैंने बताई आपको, और मेरी नहीं थी ये सब, हमारे गुरुओं ने हमें सिखाई थी, हमने इसको यूज किया और हम शरबत बना के आप देख रहे हैं, आज पी रहे हैं। शरबत का मतलब सक्सेस। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आपको आउट ऑफ टाउन की जिम्मेदारी लेनी होगी दोस्तों, और ये बहुत छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना है जो बातें मैंने आपको बताई। क्योंकि जब आप परदेश जाएंगे तो आप मजबूत बनेंगे, आप कुछ नया सीखेंगे, वहां बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। तो दोस्तों आज का यहाँ का सेशन मैं यहाँ पर खत्म करता हूं, और मेरे को सौभाग्य दिया महागुरु जी लोगों ने, मेरे ग्रेट मेंटर हमारे महागुरु जी, हम सबके मेंटर, एक बार जोरदार ताली महागुरु जी नशी अग्रवाल जी के लिए कि मुझे आज पैनल के थ्रू दोस्तों अपना तजुर्बा शेयर करने का मौका मिला। और आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को इसका बहुत ज्यादा फ्रूट आप काटेंगे और इसका फल खाएंगे और आप लोग बहुत सारे शहर डेवलप करेंगे। दोस्तों हर इंसान के अंदर स्किल होती है, हर इंसान के अंदर सब कुछ होता है, जिस गुण की हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो गुण हमारे को
ऑपरेट करता है। जिस गुण को हम यूज नहीं करते वो गुण हमारे अंदर से दब जाता है। इस सिंपल सी कहावत है जी, जिस जमीन पर हम कुछ नहीं करेंगे उस पे कूड़ा करकट दुनिया जा रही है। एक एक बिल्डर आता है, उस जमीन को स्नेक करता है, साफ करता है, सुथरा करता है, एक ड्रीम लेके आता है नक्शे पे कि मैं बिल्डिंग खड़ी करूं। तो ड्रीमर लोग एक एक कूड़े की बिल्डिंग को भी, एक कूड़े की जमीन को भी बिल्डिंग बना देते हैं। तो दोस्तों यू आर एवरीबॉडी ड्रीमर, आप सब लोग ड्रीमर हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस सेशन के बाद अपने नीचे बहुत सारे शहर बिल्ड करने वाले हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने वाले हैं, और इन छोटी छोटी 12-13 बातों का ध्यान रखने वाले हैं। और याद रखना, अपने शहर में रहकर कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता, अगर बड़ा करना है तो हमें बाहर जाना होगा। तो दोस्तों इन शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, आपने मुझे मौका दिया। मैं दोस्तों दोबारा से अपने ग्रेट मेंटर, हमारे कोच, हमारे महामहिम, और जिनके आशीर्वाद से दोस्तों हम लोग पनप रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो एक बार जोरदार ताली दोबारा से बुलाना चाहेंगे हमारे महागुरु जी को। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू महागुरु जी। थैंक यू टेजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ चौधरी साहब के लिए एकदम चौधरी साहब वाले अंदाज में जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया टिकन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने रियली में गागर में सागर भर दिया, और कैसे बड़ी एम्पायर खड़ी की जा सकती है, कैसे बड़ा काम किया जा सकता है, कैसे बड़ी टीम बनाई जा सकती है, ये आज आपने बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। मैं तो वैसे भी आपका पहले से फैन हूँ, लेकिन आज आपने जिस तरीके से, जिस अंदाज से सारी बातें बताई, उसके बाद तो और भी बड़ा फैन हो गया हूँ। दोस्तों मैं चाहता हूँ एक बार अगेन टिकेंद्र सिंह चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं टाइगर के लिए। थैंक यू महागुरु जी, रिस्पेक्ट महागुरु जी। चौधरी साहब, आपने आपका जो ग्रेटिट्यूड है, आपका जो एटीट्यूड है, आपके जो वर्क एथिक्स हैं, आपका जो कमिटमेंट है, मुझे पक्का विश्वास है आपको बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक लेके जाएगा। और आपने बहुत सारे लोगों को आज जो मार्गदर्शन दिया है, बहुत सारा पुण्य आपके खाते में आएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चावल पके कि नहीं पके, एक बार 2-3 लोगों से बात करके हम जरूर देखेंगे, और उसमें से हमारे बहुत ही मोस्ट एक्साइटेड जो हमेशा हाथ खड़ा करके रखते हैं, जितेंद्र जी एक ही लाइन में बोलना कि क्या समझ में आया, एक लाइन में बोलना, फीलिंग बता दो एक लाइन में जितेंद्र जी। महावीर जी कोटि-कोटि नमन, और सर टिकेंद्र सर को भी नमस्कार। सर ने बहुत अच्छी बात बताई सर, जो भी बताए सिस्टम की बात बताए सर, इसमें 3 कॉर्डनर रोल बहुत बड़ा मायने रखता है। आउट ऑफ सिटी में 3 कॉर्डनर रोल मतलब बिजनेस तो बिल्ड हो जाता है, लेकिन जहाँ पे एक बंदा भी 3 कॉर्नर रूल को तोड़ता है, और यदि उस बंदे का एक ही सिटी डेवलप है, और यदि एक सिटी के बदौलत वहाँ एक बंदा यदि डिस्टर्ब किया तो उनका चेक पर भी प्रभाव पड़ता है सर, और वो बंदा फिर दूसरा सिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके बदौलत कई लीडर सर मतलब मार खा जाते हैं इस सिस्टम में। तो सर बहुत बढ़िया बात बताए, और सर पैसे का लेन देन और अपलाइन यदि सिस्टम में जाता है, वहां यदि अपने डाउनलाइन से पैसे के लेन देन का ऐसा सिस्टम बिगाड़ते हैं, वो भी सिस्टम वो सिटी डेवलप नहीं हो पाता है। तो कोटि-कोटि नमन महागुरु जी, मैंने भी गया से स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच जितेंद्र जी, आप तो पूरा ज्ञान दे दोबारा उसका बखान कर रहे हो। आपको बोला, आपको क्या फीलिंग आई, आप क्या करके दिखाएंगे, सही है। आप पता नहीं क्या बताना शुरू कर दिया पूरा। हाँ के आजाद जी प्लीज, क्या फीलिंग आई, क्या करके दिखाने वाले हैं टाइगर, वो बताओ। थैंक यू महागुरु जी, आपको कोटि-कोटि नमस्कार। महागुरु जी फीलिंग सही है कि आपने पहले भी बोला था कि कमाना है तो कम आओ कहते घर में, कम आओ और घर में कम ही रहेंगे महागुरु जी, और स्टेशन बिल्डअप होगा, और इसी साल में 10 सिटी डेवलप होगा महागुरु जी, 10 सिटी बिल्डअप करके इसी साल में डायमंड बन के आ रहे हो महागुरु जी। थैंक यू सो मच महागुरु जी, बहुत बढ़िया। पीआर चौधरी साहब क्या बोलते हैं, हमारे एक और चौधरी यहाँ पे है, चौधरी साहब क्या फीलिंग। महागुरु जी प्रणाम। टिकेंद्र चौधरी जी को सुनने के बाद तो खून बॉइल हो जाता। धन्यवाद चौधरी साहब, धन्यवाद। चौधरी साहब तो खुद प्रैक्टिकली जो है स्टूडेंट लेवल से इन्होंने यूथ आइकॉन के लिए बड़ा करके दिखाया, खुद ने पहले कर किया है और उसको कॉपी पेस्ट सारे लोग कर रहे हैं। मैं भी जो है शुरुआत किया था तो चंडीगढ़ में चारपाई लगाया था सरदार जी के साथ में, इंद्रपाल जी के साथ में, और जो भी लीडर मेरी टीम में भी जिसने अपने आउट ऑफ टाउन चारपाई लगाया, कमिटमेंट किया, वहां से डायमंड निकले हैं, एक फौजी एटीट्यूड की तरह काम। बताओ चौधरी साहब,
आगे जी बताओ, पुरानी बात है, मतलब हरे हुए लोग बताते हैं, आगे जी बताओ आगे क्या करना बात है। ये है महागुरु जी, आज टिकेंद्र जी को सुनने के बाद अभी बोरी बिस्तर में फोल्ड कर रहा हूँ और एक नई सिटी में जाके चारपाई लगाऊंगा बस। ये बात हुई, एक नया शहर बिल्ड करने का जोश और जज्बा आ गया सर। आपके आपके जो चेक है ना, पुरानी बातों को दोहराने से नहीं आते, आगे की बात करने से आते हैं जी। क्या था क्या नहीं था उसको छोड़ो। अरे महागुरु जी, मैं तो चारपाई लगाऊंगा, अभी जो लोग है ना फौज छोड़ के आए, फौज में थे। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू चौधरी साहब। ललन जी क्या बोल रहे हैं, ललन चौधरी जी क्या बोलते हैं? ललन जी महागुरु जी प्रणाम। हाँ टिकेंद्र सर को भी मेरा सत सत नमन सर। महागुरु जी ये पता चल गया आज की नया सिटी क्यों बिल्ड करना है और कैसे बिल्ड करना है महागुरु जी। और मैं तो शुरुआत ही किया था महागुरु जी, खगड़िया के रहने वाला कटिहार में नया सिटी में है महागुरु जी, और दो सिटी डेवलप कर रहा हूँ महागुरु जी, और 100% इसी साल सिटी डेवलप करके तीसरा डायमंड बन जाऊंगा महागुरु जी। थैंक यू, बहुत बढ़िया जी, वंडरफुल। एक निर्मल सिंह है टाइगर, निर्मल बोलिए। थैंक यू महागुरु जी, कोलकाता चैनल स्पोर्ट्स और जितने भी पैनलिस्ट में मेरे ग्रेट मेंटर हैं सबको मैं तहे दिल से नमन करना चाहूंगा महागुरु जी। मैं अपने गोल्ड लेवल पे मैं अपने खुद वेन्यू ओपन कर और उत्तराखंड और आसाम में मेरी टीम है काम करे, वहां भी जाके मैं अपने भाग भाग के काम करूंगा, वहां भी सिस्टम खड़ा करूंगा, उनके लिए मैं फील्ड में काम करूंगा महागुरु जी, वहां भी वेन्यू क्रिएट करेंगे, खड़ा करेंगे महागुरु जी। थैंक यू सो मच, मुझे जो बोलने का मौका दिया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, हमारी शुभकामनाएं। दोस्तों सारे पतीले को देखने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ चावल पके हैं तो इसका मतलब बाकी वाले भी पके होंगे। लेकिन दो लोगों से और मैं पूछता हूं, प्रशांत सतपथी जी ने इस टॉपिक की डिमांड किया था और प्रशांत सतपथी से ही पूछते हैं क्या बोलते हैं। प्रशांत जी क्या फीलिंग है और क्या शिकार अभी क्या करने वाले हैं? माओ जी कोटि कोटि नमन, महागुरु जी मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स को कोटि कोटि नमन है, और टिकेंद्र सर जय जयकारो सर कोटि कोटि नमन है आपको भी सर, सभी डायमंड्स की जो महागुरु जी आज टिकेंद्र सर ने महागुरु जी पद एक एक चीज क्लियर कर दिया महागुरु जी। मैं आउट ऑफ द सिटी मतलब ऐसे भी मतलब बिल्ड कर रहा हूँ महागुरु जी, और आज फिर एक जाके निकल रहा हूँ महागुरु जी, एक और सिटी को मतलब बिल्ड करूंगा, और महागुरु जी पूरे भारतवर्ष में एक एक जगह महागुरु जी मेरी पूरी टीम गुरु जी एकदम मतलब बिल्ड होगी महागुरु जी, और मतलब विश्व लेवल पे काम होगी महागुरु जी। थैंक यू सो मच महागुरु जी, थैंक यू सो मच महागुरु जी, बहुत बढ़िया वंडरफुल। और असीम टाइगर क्या बोलता है, असीम सतपति? महागुरु जी कोटि कोटि नमन महागुरु जी। महागुरु जी अभी अभी समस्तीपुर से लौटा हूँ महागुरु जी, और महागुरु जी इसी सप्ताह निकल जा रहा हूँ पुणे के लिए, और 6 महीना पुणे में लगातार विजिट करूंगा। टिकेंद्र सर चौधरी ने आज बहुत बड़ा विजन दिया, एक सिटी में 6 महीने लगातार जाएंगे तो काम बढ़ेगा महागुरु जी, करके दिखाएंगे महागुरु जी, करके दिखाएंगे। थैंक यू महागुरु जी, बहुत ही बढ़िया। पूर्व बैरा क्या बोलता है? बट महागुरु जी जय, मौका देने के लिए गुरु जी शत कोटि प्रणाम गुरु जी, और टिकेंद्र सर को मैं शत कोटि प्रणाम करता हूँ, और इस तरह उपस्थित मेरा गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। टिकेंद्र सर को तो मैं फैन हूँ, बहुत बार मिला हूँ टिकेंद्र सर से, और फोटो भी खींचाऊँ, और आज जो टिकेंद्र सर जो बाहर का जो बिल्डिंग का जो बिल्कुल क्लियर कर दिया, और गुरु जी एक ही बात मेरे को अच्छा लगा, जो बाहर जाते हैं हम लोग कुछ दिन के बाद सोचता है यहाँ टीम नहीं बनना है, लेकिन गुरु जी विश्वास दिलाने के लिए 6 महीना वहां से टिके रहना पड़ेगा, और 6 महीने टिके रहेंगे तो आदमी को विश्वास आएगा जब हम यहाँ से उसको टीम बड़ा टीम बनाने के लिए आया गुरु जी, और हम टीम जाएगा तो हम वेन्यू कर रहे हैं गुरु जी, इस साल टारगेट है गुरु जी 10 वेन्यू खड़ा करेंगे दिसंबर तक, और अगले साल सितंबर तक मैं डायमंड बन के आ रहा हूँ गुरु जी। थैंक यू गुरु जी मौका देने के लिए। बहुत बढ़िया टाइगर, बहुत बढ़िया। मुंबई कर क्या बोल रहे हैं? महागुरु जी की जय हो। महागुरु जी आज का सेशन सुन के बहुत ही अच्छा लगा, और आज का सेशन से बहुत कुछ सीखा। एक ही चीज लेके जा रहा हूँ कि स्टार्ट ए ग्रुप नॉट ए पर्सन। और महागुरु जी जो है मैं अभी बाहर में हूँ, और बाहर काम कर रहा हूँ 2 महीना से काम कर रहा हूँ, यहाँ एक ग्रुप बन चुका है, और अगला 6 महीना का अंदर 200 से ज्यादा लोगों को प्रोग्राम मतलब प्रेजेंटेशन प्रोग्राम चलेगा, ऐसे भेनो खोल के दिखाएंगे महागुरु जी। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया जी, वंडरफुल, एक्सेलेंट, सुपर डुपर हिट। और अब हम कॉल करना चाहेंगे हमारे ट्रिपल डायमंड लीडर बंगाल के टाइगर और बहुत जल्दी होने वाले वीनस और क्राउन एम्बेसडर मिस्टर एनसी विश्वास दादा को। विश्वास दादा क्या बोलते हैं? थैंक यू महागुरु जी, आपको कोटि कोटि चरण स्पर्श महागुरु जी, और आज टिकेंद्र सब चौधरी को भी सेल्यूट करते हैं कि आज सर ने जिस तरह से हुआ ही क्लियर किया क्यों करना है भारत सिटी बिल्डिंग बिल्डअप, और हाउ कैसे करना है वो भी बताया महागुरु जी। पहले हम तो जानते थे लेकिन आज पूरा रिफ्रेश कर दिया, और हमारी टीम में बहुत ऐसे ट्रेंड सुधार है कि उनका माध्यम से महागुरु जी ये प्लानिंग कर करके महागुरु जी इस साल में कम से कम 100 सिटी बिल्ड करेंगे महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू महागुरु। और प्रशांत गौड़ बोले क्या बोल रहा है भाई, प्रशांत बोलना चाह रहे? थैंक यू सो मच ग्रेट मेंटर, और महागुरु जी को प्रणाम। महागुरु जी 14 पॉइंट महागुरु जी ने बताया टिकेंद्र महागुरु जी ने, और महागुरु जी पहले से डिसाइड था कि मैंने बहुत बड़ा काम करना है, क्योंकि जन्म एक बड़ा काम करने के लिए हुआ है,
और महागुरु जी कमिटमेंट है, संकल्प है, क्योंकि ये जो 14 पॉइंट है अपने रगों में उतारेंगे। और महागुरु जी दो सिटी ऑलरेडी मेरा एक एक बंदा वहां पे, बट वो एक एक बंदे से हजार हजार बंदे की टीम बनाने का संकल्प लिया महागुरु जी। दो सिटी को मैं नौकरी छोड़ने के बाद तुरंत बिल्डअप करके दिखाऊंगा, मेरा संकल्प है महागुरु। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सलेंट, सुपर डुपर हिट। और ये सुब्रतो टाइगर, सुब्रतो क्या बोलता है? गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी टिकेंद्र ठाकुर, गुरु जी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी सैल्यूट। गुरु जी आज बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, इनमें से दो पॉइंट गुरु जी मैंने तो सिटी, एक सिटी मैंने खुद से डेवलप किया था और गुरु जी मेरा मेंटर केकर आजाद सर के बदलत, लेकिन कुछ चीज मुझे आज नया दो चीज लेके जा रहा हूँ गुरु जी, जो पहले सिटी डेवलप करने से पहले आपको पहले अपलाइन से मिलना चाहिए, उनसे परामर्श लेना चाहिए और उसके बाद उस सिटी को छोड़ना चाहिए तब जब पर लेवल पे कोई लीडर बन जाए। गुरु जी ये मेरा ध्यान पे नहीं था, मैं आज यहाँ से लेके जा रहा हूँ गुरु जी, अगला नेक्स्ट जो मैं अपना मेंटर के जरिए जब मेरे को मिलेगा तब मैं ये इसको फॉलो करूंगा गुरु जी, पहले इसको जबरदस्त फॉलो करता हूँ। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट, सुपर डुपर हिट। रोहतास पुनिया क्या बोल रहा है? रोहतास महागुरु जी प्रणाम सर, टेकेंद्र सर को प्रणाम, सभी ग्रेट सर को प्रणाम सर, आपने मौका दिया गुरु जी, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला है, क्योंकि छोटी छोटी कमियां रही हैं, अब उनके ऊपर पूरा का पूरा फोकस करेंगे। और गुरु जी कमिटमेंट है, बहुत बड़ी टीम बना के दिखाए गुरु जी, और जल्दी घर से बाहर निकल रहे हैं, उनको ऊपर गलतियों के ऊपर फोकस करके उनको साइड करके। नीरज जी अपना कमिटमेंट, दीपक जी, यस महागुरु जी, गुरु जी के सामने कमिटमेंट है भाई, बब्बर सिर जो पूरा कमिटमेंट पूरी टीम से 20 लोगों का रैंक क्वालिफाई करेंगे और रिटेल में गुरुजी धूम मचा देंगे, इस बात का कमिटमेंट है। और जो आपने बोला है 5 प्लांट डेली, जितने भी जो फुल टाइम अचीवर हैं, जो फुल टाइम मतलब काम कर रहे हैं गुरुजी, उसका पूरा कमिटमेंट के साथ में आपको लिस्टिंग देंगे और पूरा जिम्मेदारी से करेंगे गुरुजी का। बहुत बढ़िया। और जावेद जी आपकी आवाज खुली हुई है, जावेद जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो को होस्ट हैं, अपना कमिटमेंट दे दें महागुरु जी के सामने। जावेद हुसैन साहब, चलो दोस्तों अभी मैं महागुरु जी आपको पूरा लिख के टाइगर लोगों से लेके, आपने महागुरु जी कमिटमेंट कर रहा हूं मैं, टाइगर पूरा दमदार तरीके से सबसे ज्यादा रैंक अचीवर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा महागुरु जी, यहां से जहां से आपने जिम्मेदारी दे रखी है, और पूरा आपको लिस्ट भेजता हूँ महागुरु जी, ग्रेट मेंटर। महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां एक बार, शानदार वाली, डेडिकेटेड है महागुरु जी एकदम, और करके दिखाएंगे एनी हाउ एनी कंडीशन, किसी भी हाल में किसी भी काल में। महागुरु जी डेली के हिसाब से लाइन लगनी चाहिए रैंक की और लैपटॉप और टैब की, दो ही चीज करनी है, प्लान करके नई भर्ती करनी है, प्लान डेली करके नई भर्ती करनी है, चेक बनाने और पूछ उगाड़नी है, वो दो चीजों की, वो लैपटॉप टैब और रैंक की। तो ताबड़तोड़ 5 दिन बल्लेबाजी करके अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये दिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट अगेन टिकन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू वेरी मच। कसम खाते हैं कितने लोग डेडिकेटेड है, एकदम लग जाएंगे पागल हो गए, बब्बर से रहो एकदम जोश से जुनून के साथ। और अभी महागुरु जी ने मंत्र बता दिया है, डेली 5 प्लान, डेली फॉलो अप, बस ना धोके और कुछ नहीं, प्लान फॉलो अप, प्लान फॉलो अप और रैंक, प्लान फॉलो अप रैंक, प्लान फॉलो अप रैंक, प्लान फॉलो अप रैंक, क्योंकि आरंभ है, प्रचंड है, लाइव का शुरुआत कर दिया महागुरु जी आपके आशीर्वाद से, और ये अल्टीमेट अचीवर में ये टीम गदर मचा देगी एकदम महागुरु जी आपके परम आशीर्वाद से। थैंक यू महागुरु जी फिर दोबारा से, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू महागुरु जी। सारे टाइगर कितने भाई कमिटमेंट कर रहे हैं, महागुरु जी अभी जा चुके हैं, कितने टाइगर एकदम समझ गए दोस्तों, जो जो बातें बार बार बताई जा रही है हमारे सारे ग्रैंड मेंटर बता रहे हैं, होम प्लान बढ़ा दो, ग्रुप प्लान बढ़ा दो, और इस बार आप ताली बजा लो, इस बार आप लोगों ने, सारे लोग ताली बजा लो, इस बार आप लोगों ने ऐसा काम किया है जो पिछले 3 वीक में नहीं किया है, इसके लिए ताली बनती है आप लोगों के लिए, रॉयल चैंपियन और रियल हीरोज के लिए जोरदार तालियां। ओम प्रकाश जी, दीपक निगम साहब, नीरज जी, क्योंकि सोनू जी तो अभी मीटिंग कर रहे हैं, बीबीएस कर रहे हैं, उनके लिए ताली मारो, वो तो अभी भी फील्ड में लगे हुए हैं। तो दोस्तों मेरे को बहुत उम्मीद है, ग्रेट मेंटर को मैंने कमिटमेंट कर दिया है, और मैं चाहूंगा रॉयल चैंपियन पे जाके अपना अपना कमिटमेंट, और रियल हीरो पे जाके अपना अपना कमिटमेंट, दोनों ग्रुप पे जाके सारे लीडर, मेन मेन लीडर, मैं देखता हूं कितनों की चमड़ी पतली है, कितनों की धटकी है, क्योंकि दोस्तों हम जब गुरु के सामने कोई चीज करते हैं
गुरु को वही चीज याद रहती है ना, हमारे चेहरे याद नहीं रहते, हमारा नाम याद नहीं रहता, हमारा काम याद रहता है, हमारा कमिटमेंट याद रहता है। तो अभी दोस्तों मैं देखता हूं कितने लोगों की चमड़ी पतली है, क्योंकि एक ग्रेट मेंटर बोलते हैं ये बिजनेस हमेशा उन लोगों का है जिनकी चमड़ी पतली है, जिनको बातें लगती हैं उनके लिए नहीं है। सारा सुनने के बाद छोड़ो यार, चलो चदरा ओढ़ लो फिर सो जाओ, ट्रेनिंग होगी खत्म। तो उनके लिए ना तो धरती पे कुछ था ना धरती पे कुछ है, रोटी खाओ और सो जाओ। तो दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है ये रियल हीरो है, ये रियल चैंपियंस है, रॉयल चैंपियंस है, और ये सारे लोग इनकी चमड़ी पतली है सारे बब्बर्स और शेरनियों की। तो कितने कमिटमेंट डालने वाले हैं, थोड़ी देर में दोस्तों मैं ग्रुप पे जाऊंगा और आपका कमिटमेंट पढ़ूंगा। सारे लोग अपना कमिटमेंट डालना है कि मैं रीसेल में, हो सकता है आप रैंक अचीव ना कर रहे हो सकता है आप रैंक अचीव ना कर रहे हो, पर आपके सहयोग से आपके गुरु आपके मेंटर तो कर जाए तो कल आपका भी नंबर आएगा। क्योंकि जब ये जिम वर्क क्या है, एक दूसरे की मदद करने का बिजनेस होता है, जब आप मेंटर की मदद करते हैं तो लोग मेंटर आपकी मदद करते हैं। और दुनिया में रूल है, लोग उन्हीं के साथ मेहनत करना पसंद करते हैं जो बोलते हैं और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। जब आप ऑर्डिनरी काम करते हैं तो आप नजर में नहीं आते, जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं तब आप बहुत बहुत बड़े लोगों की नजर में आते हैं, और बड़े लोगों की नजर में आने से ही उनकी मेंटरशिप में आते हैं। तो दोस्तों मेरे को पूरा भरोसा है सारे बब्बर शेर बब्बर शेरनियों का, और सारे फोकस्ड होके अपने काम पर लगेंगे। और इन 5 दिनों में जो अभी मैंने एक और हमने टारगेट दिया दिशा का, कोई भी रैंक अचीव करेगा पहली या दूसरी, अगर इस कोई भी रैंक अचीव करेगा उसको दिशा फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आना जाना उसका रहेगा, बाद बाकी जो कंट्रीब्यूशन होता है 7,000 वो उससे नहीं लिया जाएगा। इस बात पे दोस्तों 7,000 वहां से मिलेंगे, जैसे मागरू जी ने बोला 7,000 यहां से मिलेंगे, और 4 बजे तक आपका जमूरा चल ही रहा है जो टीम रॉयल चैंपियन है। तो दोस्तों लग जाइए, जुट जाइए, फोकस कर दीजिए, शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, क्योंकि अभी क्लोजिंग में 3 घंटे बाकी हैं, 3.25 घंटे हम जूम की मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं। पर मैं चाहूंगा सारे सिल्वर एंड अबव अपना कमिटमेंट जाके जरूर लिखें, ग्रुप पर पेस्ट करें, जितने लोग रॉयल चैंपियन पर हैं और जितने लोग रियल हीरोज पर हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, लव यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। ठीक है दीपक जी, क्लोज करते हैं मीटिंग, 4 बजे तक क्लोजिंग करवाइए आप सारे लोग मिलकर। ओके ओम प्रकाश जी, ओके जावेद जी, अजीत जी, सारे टॉप लीडर्स, थैंक यू वेरी मच।